नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ और जल निकासी योजना संबंधी सूचना पहुंचाने के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। शिक्षक भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर बीपीएससी के संयुक्त सचिव ने कहा ये। हर्ष फायरिंग से संबंधित किसी भी सूचना के लिए डायल करें ये नंबर। 6 जिलों में इस महीने से शुरू होंगे वाटर स्पोर्ट्स केंद्र। भारतीय क्रिकेट टीम का अब चीन में भी बजेगा डंका। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर के 583 पद पर निकली भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संगणक के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 583 पद भरे जाने हैं। इस भर्ती के लिए 12 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 तक है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय गणितीय, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि, भारत सरकार के अधीन DOE ACC के द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र या भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में संचालित राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना जरूरी है। बाढ़ और जल निकासी योजना संबंधी सूचना पहुंचाने के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। बिहार में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के कई जिलों के लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। बता दें कि बारिश की वजह से राज्य के कई नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। ऐसे में आपन परिस्थिति में बाढ़ और जल निकासी योजना संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना विभाग तक पहुँचा सकते हैं। दरअसल IPRD बिहार के द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, जिस पर आप संपर्क कर बाढ़ और जल निकासी योजना से संबंधित किसी भी सूचना को विभाग तक पहुंचा सकते हैं। बता दें कि विभाग की ओर से जो नंबर जारी किया गया है वह 1800-345-6145 है, जिस पर संपर्क कर आप बाढ़ के समय में तटबंधों में सीपेज, पाइपिंग, रिसाव, कटाव, क्षरण अथवा जानबूझकर क्षति पहुंचाने संबंधी सूचना विभाग को दे सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे आनंद बाग पैलेस के बारे में। दरभंगा एक ऐसा शहर है जो कई पर्यटक स्थलों से भरा हुआ है और आनंद बाग पैलेस उनमें से एक है। यह पसंदीदा पर्यटन स्थल शहर के प्रतिष्ठित स्मारक के रूप में विख्यात है। आनंद बाग पैलेस लक्ष्मी विलास पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। आनंद बाग पैलेस का निर्माण 1880 के दशक में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था और 1914 के नेपाल बिहार भूकंप के दौरान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। महल दीवारों पर शानदार स्थापत्य कला के साथ मिथिला संस्कृति को दर्शाता है। महल की भीतरी और बाहरी संरचना आकर्षक है। आनंद बाग पैलेस ने कई पर्यटकों का ध्यान खींचा है और निश्चित रूप से दरभंगा का एक दर्शनीय स्थल है। 6 जिलों में इस महीने से शुरू होंगे वाटर स्पोर्ट्स केंद्र। बहुत जल्द ही राज्य के लोगों को वाटर स्पोर्ट्स केंद्र का सौगात मिलने वाला है। बता दें कि अब बिहार के लोगों को वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए अपना राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा बिहार के 6 जिलों में वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना में दिघा गंगा नदी, दरभंगा में दिघी पोखर, मोतिहारी में मोती झील, बांका में उड़नी डैम, मुंगेर में खड़गपुर झील और पूर्णिया में सौरा नदी शामिल है। मालूम हो कि इन स्थानों पर वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के निर्माण को लेकर बजट भी तैयार कर लिया गया है। बता दें कि सब बिहार राज्य पर्यटन निगम के द्वारा किया जाएगा, जो कि अक्टूबर महीने से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मालूम हो कि वाटर स्पोर्ट्स में आपको पैरा सेलिंग बोट, मोटर बोट, स्की स्कूटर, 25 सीटर बोट, वाटर स्कीइंग, जेट स्की, काइट सर्फिंग, बनाना राइड्स, स्कूबा डाइविंग, जेट स्की, बंपर राइड, कियाकिंग, कश्ती, नौकायान और कई साहसिक खेलों का मजा लेने को मिल सकता है। वहीं वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पर 50,000 लोगों के ठहरने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर कैफेटेरिया और ओपन रेस्टोरेंट होगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क भी होगा। शिक्षक भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर बीपीएससी के संयुक्त सचिव ने कहा ये।
एक तरफ जहां बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 को लेकर छात्रों के द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर अब बीपीएससी की साइट स्लो होने से अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में अब अभ्यर्थियों की मांग है कि आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई तक निर्धारित की गई है। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए बीपीएससी के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश शर्मा से आवेदन करने की तारीख बढ़ाने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तारीख बढ़ाने को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा वह अध्यक्ष लेंगे। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये दावा किया गया कि बीती रात तक सर्वर ठीक कर दिए जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच यह आशंका जताई जा रही है कि आवेदन करने की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। बिहार में इस साल 5 लाख लीटर से अधिक शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा। बता दें कि राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार की ओर से हर प्रयास किए जा रहे हैं। मालूम हो कि इस साल राज्य में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा 5 लाख लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। बता दें कि आंकड़ों के हिसाब से इस साल जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक विभाग की ओर से अब तक कुल 5,23,000 लीटर शराब बरामद किया गया, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें से 5,11,000 लीटर अंग्रेजी शराब है जिसे पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। ऐसे में अब उत्पाद विभाग की टीम की नजर अंग्रेजी शराब पर बनी हुई है। वहीं आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष शराब की तस्करी कर रहे वाहन में 58 दो पहिया वाहन, 171 चार पहिया, 124 बड़े ट्रक और कंटेनर को भी जब्त किया गया है। वहीं कुल 29 बड़े शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें से देश के विभिन्न जिलों से भी तस्कर शामिल हैं। हर्ष फायरिंग से संबंधित किसी भी सूचना के लिए डायल करें ये नंबर। बिहार में पिछले कुछ समय से हर्ष फायरिंग से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में इस पर लगाम कसने के लिए बिहार सरकार की ओर से पिछले दिनों कुछ नियम लागू किए गए थे, जिसके तहत हर्ष फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिस लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की जाएगी उसके मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर इससे किसी की जान चली जाती है या फिर कोई घायल हो जाता है तो उस पर भी प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी कर हर्ष फायरिंग आदि की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचना दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जनसभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोह या अन्य उत्सवों में हर्ष फायरिंग करना प्रतिबंध है। हर्ष फायरिंग के दौरान मानव जीवन की क्षति होने पर या अन्य किसी नुकसान होने पर सजा का प्रावधान है, जिसकी अवधि 2 वर्ष कारावास या 1,00,000 रुपए या फिर दोनों से दंडनीय होगा। इससे संबंधित किसी भी सूचना के लिए 112 पर कॉल किया जा सकता है। मनवास मेले की तैयारियों का जायजा लेने राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने मलमास मेले को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश को मेले को लेकर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन दिखाए गए। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा मलमास मेले को लेकर स्वच्छता अभियान एवं श्रद्धालुओं के लिए पेय गंगा जल का उद्घाटन भी किया गया। मालूम हो कि इस वर्ष मलमास मेले की शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है, जो कि 13 अगस्त तक चलने वाली है। वहीं इस बार इस मेले का प्रसारण सीधे तौर पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, सांसद कौशलेंद्र कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, नालंदा डीएम, गया डीएम, एसपी नालंदा मौजूद रहे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शरद कुमार के बारे में। शरद कुमार एक भारतीय पैरा हाई जंपर और पूर्व विश्व नंबर खिलाड़ी हैं। मुजफ्फरपुर में जन्मे उन्होंने 2010 एशियाई पैरा खेलों में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। 2014 के एशियाई पैरा खेलों में उन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, 12 साल के एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और विश्व नंबर फिर से हासिल किया। शरद कुमार ने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लिया और 6ठे स्थान पर रहे। उन्होंने 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्हें पैरा चैंपियंस प्रोग्राम के माध्यम से गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाता है। उन्होंने रियो पैरालंपिक 2016 में भाग लिया और 1.77 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 6ठे स्थान पर रहे। उन्होंने मार्च 2015 से राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स कोच श्री सत्यनारायण के अधीन प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.84 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। उन्होंने 2018 पैरा एशियन गेम्स जकार्ता में 1.90 मीटर की छलांग लगाकर नया गेम रिकॉर्ड और कॉन्टिनेंटल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइलेरिया से बचाव को 10 अगस्त से चलेगा विशेष अभियान।
हर वर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को देश भर में एमडीए फाइलेरिया यानी सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक इसी तरह इस वर्ष भी 10 फरवरी को एमडीए राउंड चलाया गया था, वहीं अब 10 अगस्त को भी हर साल की तरह एमडीए राउंड चलाया जाएगा। हालांकि 10 अगस्त से जो एमडीए राउंड चलाया जाएगा वो राज्य के बचे शेष 14 जिलों में चलाया जाएगा, जहां फरवरी महीने में नहीं चलाया गया था। मालूम हो कि इस राउंड में पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्कूल, पंचायत, पीएचसी, सीएचसी सहित मेडिकल कॉलेजों पर बूथ लगाया जाएगा और लोगों को दवा खिलाई जाएगी। बता दें कि इसके तहत मेडिकल कॉलेज और हेल्थ फैसिलिटी पर 14 दिनों के लिए बूथ लगाए जाएंगे, तो वहीं स्कूल सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर यह बूथ 3 दिनों के लिए लगाया जाएगा। इस दौरान मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक व्यक्ति को 2 बार दवा सेवन न कराई जाए। बिहार के निजी संस्थानों में डीएलएड की अधिकतम फीस तय। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के गैर सरकारी स्व वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि निर्धारित किए गए फीस के अनुसार सालाना शुल्क प्रति विद्यार्थी 60,000 रुपए निर्धारित की गई है, यानी कि 2 वर्षों के लिए 1,20,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसे लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निर्धारित की गई यह फीस अधिकतम फीस है। यह शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मियों के निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर किया गया है, अतः वेतन आदि मद में कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। बता दें कि शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा। बता दें कि इस बारे में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हर बिहारी पर होगा 25,000 रुपए का कर्ज, जाने क्यों। बिहार पर हर साल कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है, ऐसे में यहां रहने वाले प्रति व्यक्ति पर भी ऋण में बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि वर्ष 2019-20 में राज्य पर कुल ऋण बकाया 1,93,382 करोड़ था, वहीं वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 2,27,196 करोड़ हो गया, 2021-22 में बढ़कर 2,57,510 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,83,596 करोड़ हो गई थी। वहीं अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह ऋण वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,24,762 हो सकती है। ऐसे में अगर हम प्रति व्यक्ति ऋण की बात करें तो वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति ऋण 15,982 रुपए थी, जिसके बाद यह ऋण बढ़कर अब वर्ष 2023-24 में 24,981 रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। मालूम हो कि वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के लिए ऋण की सीमा निर्धारित की जाती है, ऐसे में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखने का निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार की ओर से 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया का ऋण का अनुपात 37.81% आकलित है। अब छापेमारी के साथ सर्वे भी करेगी उद्योग विभाग। अब राज्य में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं व्यापार को लेकर जिन भी स्थानों पर छापेमारी की जाएगी उन स्थानों पर अब टीम के द्वारा समुचित जायजा भी लिया जाएगा। खासकर विभाग की सुदूर ग्रामीण टोलों या दियारा के इलाकों में पैनी नजर बनी रहेगी। मालूम हो कि अब टीम की ओर से छापेमारी करने के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति का समुचित अवलोकन करेगी और फिर उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर उसे विभाग को सौंप दिया जाएगा, ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को सतत जीविकोपार्जन से जोड़ा जा सके। मालूम हो कि ऐसा निर्णय लिया गया है ताकि इसके मद्देनजर इन लोगों के लिए वैकल्पिक जीविका का प्रबंधन करने के लिहाज से सर्वेक्षण किया जा सके। बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग लगातार प्रदेश में आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। विभाग ने पूरे प्रदेश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में वज्रपात और तेज आंधी पानी की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि प्रदेश के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से कटिहार जिलों में 1 से 2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से औसत 5 किलोमीटर ऊपर झारखंड और आसपास के इलाकों में स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व भाग के 1 से 2 स्थानों और बाकी जिलों के कुछ भागों में वर्षा होने की पूर्वानुमान है। बता दें कि आज के दिन बिहार के मानसून में ज्यादा तेजी देखी जाएगी। एनईपी की समझ लघु वित्तीय प्रतियोगिता में ले भाग, जीते पुरस्कार।
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अच्छी समझ है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आपके पास अपने इस समझ से पुरस्कार जीतने का सुनहरा मौका है। दरअसल भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि NEP की समझ रखने वालों के लिए एक लघु वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है जिसमें भाग लेकर आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। इस प्रतियोगिता के तहत आपको पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलेगा। हालांकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ योग्यता भी निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत भाग लेने वाले व्यक्ति भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और साथ ही उसकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक लोग https://innovativeindia.mygov.in/nep/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का कम होगा 25% किराया। बिहार वासियों को भी पटना से रांची जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। ऐसे में अब उन सभी यात्रियों को सौगात मिलने वाली है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर यात्रा करते हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड की ओर से यह जानकारी दी गई है कि वंदे भारत ट्रेन सहित सभी ट्रेन के AC चेयर कार एवं एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कमी की जाएगी। बता दें कि ट्रेन किरायों में यह रियायत रेल सेवाओं के अधिकतम सेवाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को दी जा रही। मालूम हो कि इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रेलवे की ओर से वंदे भारत ट्रेन के किराए में कमी करने को लेकर विचार किया जा रहा है ताकि इस ट्रेन तक आम लोगों की पहुंच बन सके। इस बारे में PTI के द्वारा भी ट्वीट कर जानकारी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया है कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टोडम बोगियों वाली सभी ट्रेन के AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास में किराए में 25% तक की कमी की जाएगी। गेहूं चावल एवं अन्य अनाजों की कीमतों को कम करने को लेकर खास पहल। गेहूं चावल और अन्य अनाज की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से एक तरफ जहां आम लोगों को कठिनाई हो रही तो वहीं दूसरी ओर बिहार के किसानों को भी इसका फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि किसानों पर बिचौलिया तंत्र हावी है। ऐसे में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा एक खास पहल की गई है जिसके तहत अब FCI 38,500 मीट्रिक टन गेहूं और 35,000 मीट्रिक टन चावल को खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से बेचेगी। बता दें कि निर्णय लिया जा चुका है। मालूम हो कि इस बारे में FCI के सहायक महाप्रबंधक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बिक्री योजना के तहत पूर्व निर्धारित कीमतों पर ब्रेक लगाया जा सकेगा। इसमें आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक एवं खुदरा खरीदार शामिल हो सकते हैं जिसके लिए उन्हें बुधवार को निविदा डालना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि URS गेहूं का न्यूनतम मूल्य ₹2,125 और FAQ गेहूं का न्यूनतम मूल्य ₹2,150 प्रति क्विंटल रखा गया है। वहीं FRK चावल की न्यूनतम दर ₹3,173 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। उपेंद्र कुशवाहा को उनके करीबी JDU MLC रामेश्वर महतो से मिला झटका। RLJD के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के करीबी कहे जाने वाले JDU MLC रामेश्वर महतो के द्वारा JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जितने कुशवाहा समाज को किसी ने भागीदारी नहीं दी और जो भी नीतीश कुमार को छोड़कर गए हैं वह स्वयं अपने स्वार्थ में गए हैं। ऐसे में रामेश्वर महतो के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबर चलने लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा और रामेश्वर महतो के बीच पटरी नहीं खा रही। मालूम हो कि इससे पहले रामेश्वर महतो के द्वारा अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि उमेश कुशवाहा की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा JDU और नीतीश कुमार से दूर चले गए। तेजस्वी यादव पर दायर CBI की चार्जशीट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। चल स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के समस्तीपुर जिले में पत्रकार वार्ता में तेजस्वी यादव पर CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि वो जमाना चला गया कि किसी पर CBI चार्जशीट कर दे और कोई इस्तीफा दे दे। मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से CBI के चार्जशीट करने पर ये इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक बिहार सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई परिवर्तन बिहार में होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और कुछ लोग उत्साह में बता रहे थे इसका देशव्यापी इसका असर होगा, इस दिन भी मैंने कहा था कि महागठबंधन बिहार से जुड़ी घटना है और ये लोकसभा तक चलेगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नए रूप में होगा, आप लिख कर रख लीजिए। संतोष सुमन का कुंडली खंगालने वाले मुद्दे पर जीतन राम मांझी का बयान।
जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए मंत्री रत्नेश सदा के द्वारा संतोष सुमन के कार्यकाल की जांच करवाने की बात कही गई थी। वहीं रत्नेश सदा के इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा बीते दिन पलटवार करते हुए कहा गया कि निकाल कर देख लो कुंडली, सबको हम साधुवाद देते हैं, कुंडली निकलेगी तो हम भी समझेंगे कि भाई क्या हम लोग की कुंडली में रखा है। उन्होंने कहा कि अब हम एनडीए में आ गए हैं तो हम चाहेंगे कि महागठबंधन में खटपट हो जाए और टूट जाए। इसके साथ उन्होंने शिक्षा मंत्री और केके पाठक के बीच हुए तनातनी को लेकर कहा कि कोई रंजिश और कोई साजिश नहीं है। केके पाठक ने शिक्षा विभाग को ठीक करने का बेड़ा उठाया है। जब से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं तब से अफसरों के अनुसार शासन चला रहे हैं, जनता के लाभ का कम ध्यान देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का अब चीन में भी बजेगा डंका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की बैठक में पहला फैसला यह लिया गया कि वह अपने खिलाड़ियों, इसमें रिटायर्ड खिलाड़ी भी शामिल है, वे भी विदेशी टी20 लीग में उनकी भागीदारी के संबंध में एक नीति का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा और अहम फैसला लिया गया है उसमें यह बताया गया कि बीसीसीआई सितंबर 2023 में चीन के हांगजू में होने वाले एशियाई खेलों में पुरुष और महिला दोनों टीमों को भेजेगा। इसके साथ यह भी बताया गया कि आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 के साथ एशियाई खेलों के शेड्यूल के ओवरलैप को देखते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि जिन खिलाड़ियों का नाम विश्व कप की टीम में शामिल होगा वे खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि 5 अक्टूबर से विश्व कप की शुरुआत हो रही है और एशियाई गेम्स की शुरुआत इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक निर्धारित है। एशियन गेम्स में क्रिकेट को 2 बार शामिल किया गया था, लेकिन साल 2018 में जकार्ता में आखिरी बार इसे शामिल किया गया था। उसके बाद अब साल 2023 के हांगजू में टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम को शामिल किया गया है। भारतीय इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। वन्यजीव बोर्ड की तरफ से 1969 में शेर को देश का राष्ट्रीय पशु चुना गया। लंदन में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयान बॉथम ने अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर 208 रन बनाया। यह मैच ड्रॉ समाप्त हुआ। भारत द्वारा पाक सीमा पर 2 चौके स्थापित करने की घोषणा 2001 में की। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यातत्व कार्य हेतु ओटो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार 2007 में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता, संसदीय मामलों के मंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा का जन्म 1900 में हुआ था। 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जन्म 1845 में हुआ। दूसरी लोकसभा के सदस्य मानक भाई अग्रवाल का जन्म 1923 में हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक हिंदी फिल्मों में गुरुदत्त के नाम से प्रसिद्ध वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म 1925 में हुआ था। फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र का जन्म 1930 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का जन्म 1938 में हुआ था। धार्मिक उपदेशक चैतन्य देव का निधन 1533 में हुआ था। वेलकम। में आज हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक लिंक के साथ एक संदेश गरीब वर्ग को सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय के नाम पर 32,849 रुपए का लाभ देने का दावा करता है और प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत विवरण भी मांग रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह संदेश फर्जी है, ऐसे किसी लाभ की घोषणा नहीं की गई है। आधार से अब तक नहीं कराया पैन को लिंक तो लगेगा जुर्माना। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तिथि बीते 30 जून तक निर्धारित की गई थी, यानी कि अब आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवा सकते। ऐसे में अब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है, यानी कि अब आपको इससे जुड़े किसी भी काम को करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मालूम हो कि टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल करना है तो और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि इसके लिए जुर्माना भी उन्हें चुकाना पड़ जाए। दरअसल अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल करने में चूक जाते हैं तो आपको 31 जुलाई के बाद बिलेटेड ITR के तौर पर इसे फाइल करना होगा, जिसके लिए आपको भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है जो 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले टैक्स पेयर्स के लिए 5,000 रुपए है। वहीं इसके बाद अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको 1,000 रुपए पेनाल्टी भरने होंगे। व्हाट्सएप में जल्द आप चैट्स को कर पाएंगे फिल्टर। व्हाट्सएप अपने यूजर को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए समय समय पर ऐप में अपडेट लाते रहती है। जल्द
जल्द मेटा व्हाट्सएप चैट्स को और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूजर्स को 3 नए ऑप्शन देने वाला है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी एक नए टूल पर काम कर रही है जो यूजर्स को चैट को मैनेज करने के लिए 3 फिल्टर देगा। इनकी मदद से यूजर्स चैट को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मेटा चैट लिस्ट के अंदर 3 नए ऑप्शन जल्द देंगे जिसमें अनरीड, पर्सनल और बिजनेस शामिल है। इन पर क्लिक करने से संबंधित चैट्स अपने आप उस फिल्टर के तहत आ जाएगी और आप आसानी से चैट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इस नए ऑप्शन से आपका काफी समय भी बचेगा। ये अपडेट फिलहाल व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.23.14.17 में देखा गया है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट करेगी। बीते दिन मदरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जगदीश राम, रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, रामनवी मांझी, मृत्युंजय कुमार, तबरेज आलम, अनिल कुमार, धीरज कुमार, संजय शाह, उदय कुमार पासवान, रवि शंकर, रघुनंदन कुमार, प्रयाग सिंह, पीके पासवान, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार शिक्षा विभाग में के पाठक को ACS बनाए जाने के बाद विभाग में सुधार हो रहा है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।